तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ कलश यात्रा में। तो बागेश्वर धाम द्वारा श्री राम कथा का आयोजन होने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ कलश यात्रा निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई देने वाली है, तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ का शुभारंभ हो चुका है, और यहाँ आप देख सकते हैं गुढ़ियारी के हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी जी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और
रोटी का पवित्र कुछ है क्या? इधर से भैया रास्ते छोड़ दो, इधर से रास्ते छोड़ो। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ कथा पंडाल में और इस साइड आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पंडाल को सजाया गया है और ये यहाँ बैठेंगे हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी। और मैं आपको बता दूँ पीछे से वो आएंगे, मैं वहाँ भी आपको जाके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ का आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से पंडाल कितना भव्य आपको दिखाई देगा और बहुत सारे लोग यहाँ आ सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ यहाँ रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा आप ना सोचें कि यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था होगी। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान दे के आना चाहिए। और ये है बालाजी, यहाँ से वो अपना कथा की शुरुआत करेंगे, बहुत ही बेहतरीन आपको दिखाई देने वाला है। तो गाइस अब चलते हैं अंदर, अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ पंडाल को, राम मंदिर जैसा ही डिज़ाइन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने वाला है। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से इसका दृश्य की कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देने वाला है। तो बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं खाने और रहने की व्यवस्था नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये आप द्वार देख रहे हैं, दरवाज़ा आप देख रहे हैं, तो यहीं से वीरेंद्र शास्त्री जी आएंगे, उनके लिए ये दरवाज़ा बनाया गया है और ये उनके गुरुदेव जी हैं, तो आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं। वीरेंद्र शास्त्री जी के गुरुदेव जी हैं जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले लाने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऊपर आपको गदा दिखाई देगा जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, तो यहां से इस प्रकार का टॉप व्यू आपको दिखाई देगा जहाँ से वीरेंद्र शास्त्री जी आपको देख सकेंगे। तो ये कथा पंडाल का जो डिज़ाइन है बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। और ये बता दूँ नागपुर से जो है वो कारीगर आए हैं, वो लोगों ने द्वारा बनाया गया है। तो कुछ ही क्षण में यहाँ कलश यात्रा पहुँचने वाला है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आप तक कम समय में लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं विकास उपाध्याय जी यहाँ आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ही क्षण में यहाँ कलश यात्रा जो है यहाँ पहुँचने वाली है।
और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं पप्पू जी के द्वारा पोथी यहाँ लाया जा रहा है उनके परिवार द्वारा, और आप देख सकते हैं कलश यात्रा भी बहुत ही ज़्यादा भव्य कलश यात्रा का यहाँ समापन होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो कलश यात्रा है वहाँ का समापन होने वाला है। सो इस साइड आप देख सकते हैं कलश यात्रा का समापन होने वाला है। सभी महिलाओं द्वारा यहाँ कलश को रखा जा रहा है, और यहाँ से जो है कलश यात्रा का समापन होने वाला है। इस साइड आप देख सकते हैं ये है कलश जो कि मैंने आपको दिखाया, और यहाँ आप देख सकते हैं बाहर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी कलश यात्रा का आगमन हो रहा है, और सभी महिलाओं द्वारा कलशों को यहाँ रखा जाएगा, जिसके बाद कलश यात्रा का समापन होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई देगी, बहुत ही भव्य तरीके से कलश यात्रा का आयोजन किया गया, और आप देख सकते हैं मंडप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा हुआ आपको दिखाई देगा, और धीरे धीरे करके सभी महिलाएं यहाँ एकत्रित हो रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और चैनल को पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।